जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी, गोलीबारी और लोगों में दहशत का माहौल अब पुरानी बातें हो गई हैं, क्योंकि घाटी में अब आतंकवाद नहीं बल्कि हर ओर शांति और विकास दिख रहा है। विकास के इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत खरीदी गई ई बसों का परीक्षण चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक बसों का ट्रायल रन शुरू हो गया है, जो कि अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा और बहुत जल्द इसका औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। बेसिकली हमारे स्मार्ट सिटी के अंदर ये 100 स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसेस का प्रोजेक्ट है, जो जम्मू में भी है और श्रीनगर में भी है। सो पूरे शहर में 100 इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी। उसी का के सिलसिले में हम लोगों ने जो है ट्रायल रन किया था। तो ये बसें इस समय हमारे पास डिलीवर हो रही हैं श्रीनगर में, लगभग 15 के आसपास हमारे यहाँ ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी हैं और वी आर होपफुल दैट बाई अनदर 10-15 दिन में हमारे पास 50 बसें दे वुड बी अवेलेबल इन श्रीनगर सिटी, और अगले महीने 1.5 महीने में अनदर जो रिमेनिंग बसेस हैं वो भी हमारे पास आ जाएंगी। बता दें कि परिवहन सुविधाओं की अनुपलब्धता को दूर करने के उद्देश्य से स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत ई बसें चलाई जा रही हैं। बेसिक मकसद ये होता है कि एक तो हमारे जो ड्राइवर्स हैं उनका रूट फेमिलराइजेशन हो जाए, इसी के साथ हमारी एक और टीम है जो इसका शेड्यूलिंग करती है, टाइम शेड्यूलिंग करती है, कैलिब्रेशन करती है, उनको भी एग्जैक्ट टाइम बिटवीन स्टॉप्स, एग्जैक्ट टाइम फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, वो सब पीक टाइम में, पीक आवर्स में या लेन आवर्स में सब चीज़ें पता चल जाती हैं। इसी तरीके से जो हर किसी बस का चार्जिंग कैपेसिटी है कि मान लीजिए मिनिमम 150 किलोमीटर के आसपास एक चार्ज पे होता है, तो वो भी पूरा 150 किलोमीटर रन करके उसका भी इवेल्युएशन होता है कि इसकी चार्जिंग जो है वो लेवल किस तरीके से पहुंची है, हाउ डू वी ऑर्गेनाइज एंड प्लान इट बेटर। तो कल से हम लोगों ने जो शहर में कल से 4 रूट्स पे हमने बेसिकली ट्रायल रन शुरू किए हैं। सो ये इन दिनों पे ये बसेस कंटिन्यूसली चलेंगी। ये एक तो दीज आर इलेक्ट्रिक बसेस, सो इनमें कोई पोल्यूशन नहीं, जीरो इमिशन बसेस, कोई एयर पोल्यूशन नहीं है, किसी तरीके का पोल्यूशन नहीं है, सो हमारे लिए सिटी में बहुत बेहतर है। इसके साथ साथ ये प्रॉपर एयर कंडीशन बसेज हैं, इनमें अगर आपने देखे होंगे विंडोज़ एयर ह्यूज ग्लास विंडोज़, तो बड़ा कंफर्टेबल अंदर बैठने के हैं। एसी है, सो विंटर में भी इट इज़ हीटिंग एज वेल एज कूलिंग। सो विंटर हमारे यहाँ बहुत ठंड होती है, तो ठंड में वी विल बी एबल टू मेंटेन प्रॉपर हीटेड टेम्परेचर। इसी तरीके से समर में भी वी कैन यूज़ एसी जिससे टेम्परेचर प्रॉपर रहे। इसमें बैठने की जगह है, प्रॉपर है। स्थानीय निवासी सरकार की इस पहल से काफी खुश हैं और इस पहल की सराहना कर रहे हैं। बहुत कंफर्टेबल, बहुत बहुत कंफर्टेबल, सेफ भी है, कंफर्टेबल, एसी फैसिलिटीज बहुत अच्छा। अगर ये मतलब और ज्यादा आएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। इसमें क्या क्या फीचर्स है जो बाकी बसेस में नहीं है? बाकी बसेस में तो कुछ भी है ही नहीं कुछ, बस धक्कम धक्का, मतलब भीड़ होती है, बहुत कुछ होता है। ये बहुत कंफर्ट है, अगर ये मतलब हमारे कश्मीर में आएगी तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। ये बस निकाली है, ये आवाम के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे आमतौर ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होती थी ज़्यादातर शाम के वक्त। अब ये उन्होंने बोला कि ये शाम तक 12 बजे तक चलेगी, तो ये लोगों के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसमें क्या कुछ खास है जो कि बाकी बसेस में नहीं होता? टाइम इसमें कम लगता है, और इसमें ये भी खास है कि इसमें एसी भी है, अंदर कैमरा भी लगे हुए है, और कंफर्टेबल बस है, चेयर्स भी है, और ये कंफर्टेबल बस है, और ज़्यादा भीड़ नहीं होगी इसमें, वो लोगों के लिए बेटर रहेगा। और बसेस आनी चाहिए, हाँ इसके लिए तो और बसेस होनी चाहिए रूट पे, हर एक रूट पे बसेस होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों के लिए फायदा है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इन इलेक्ट्रिक बसों के चलने से लोगों को यात्रा में हो रही समस्याओं से न सिर्फ निजात मिलेगी बल्कि उनकी यात्रा और सुगम होगी।